चंदोसी से मुरादाबाद के लिए बंदी बैंड में जा रहे थे 3 कैदी। 2 पुलिस कर्मियों की हत्या कर एवं सरकारी राइफल लूट कर फरार हो गए थे, जिसके बाद 3 कैदियों धर्मपाल, शकील और कमल पर प्रदेश के DGP ने 2.5 लाख का इनाम घोषित किया था। हालांकि पिछले दिनों शकील और कमल को पुलिस ने मुठभेड़ में मार दिया था, जबकि तीसरा कैदी आरोपी धर्मपाल पुलिस पकड़ से काफी दूर निकल चुका था। तीसरे आरोपी की काफी दिनों से तलाश कर रही थी। इस बीच आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए लगाई गई टीम ने मुखबिर की सूचना पर हरियाणा के गुरुग्राम से दबोच लिया। पुलिस ने धर्मपाल को गिरफ्तार कर पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि हत्या करके 3 अपराधी फरार हुए थे, चंदोसी कोर्ट केसी पे आए थे। वो लोग वापस जाते समय चंदोसी में, चंदोसी ग्रीन एरिया है, वहाँ से हमारे सिपाहियों की हत्या करके 3 अपराधी भागे थे और उसमें से हमारा एक सरकारी राइफल भी लूट करके ले गए थे। इनका लगातार पीछा किया जा रहा था और इसमें 2 अपराधी पहले भी अकाउंट फार हुए हैं और एक अपराधी आज जो अंतिम था धर्मपाल, वो पकड़ा गया है। इसको फरूख नगर से गुरुग्राम से पकड़ के लाया गया है, अब कोर्ट में पेश किया जा रहा है। जो अभी हल्की सी पूछताछ हो पाई है उसने इसने जो जानकारी दी है कि ये आपस में जिस दिन वहाँ से फरार हुए वैन से सिपाहियों की हत्या करके, ये एक रामपुरा क्षेत्र है, वहाँ पे आए, वहाँ के जंगलों में रुके रात में और प्लान बनाया कि अब इसके बाद हम लोग जब तक पुलिस की सरगर्मी है 1-1.5 महीने अलग हो जाते हैं, अलग अलग जा करके हम लोग अपना छुपे रहेंगे। और ये धर्मपाल चूँकि पहले भी गुरुग्राम में काम कर चुका है फैक्ट्री में, वहाँ पे जा करके ये इसने एक प्लान बनाया था कि हम वहाँ पे एक गैंग के रूप में ऑपरेट करेंगे अपने और साथियों के साथ मिल करके, और वहाँ से जो बड़े बड़े लोग हैं उनको चिन्हित करेंगे, उनसे एक्सटॉर्शन करेंगे, उनकी फिरौती और अपहरण करेंगे। इस तरीके से एक गैंग बना करके ये सारे लोग ऑपरेट करने वाले थे और समाज को परेशान करने वाले थे। इसमें अब ये अपराधी जो है धर्मपाल, ये पकड़ा गया है, अब इसको हम लोग कोर्ट में पेश कर रहे हैं और रिमांड। सर, राइफल की बरामदगी हो पाई? अभी नहीं हो पाई क्योंकि समय कम था, इसीलिए हम लोग रिमांड की डिमांड करेंगे अभी कोर्ट से, और उसके बाद इसकी जो भी लोग इनमें शामिल हैं, इनके सहयोगी जो हैं, जो असलहे हैं और जो असलहे ये सरकारी लूट के भागे हैं, उन सभी के बारे में विस्तृत पूछताछ और जांच के लिए इनकी रिमांड। हंसले कहाँ से आए सर? ये अभी पूछताछ पूरी तौर पर हो नहीं पाई है, इसीलिए अभी कोर्ट में प्रोड्यूस करके हम लोग रिमांड की करेंगे और पूरा ये जानकारी करेंगे कि किसने असलहे दिए, कौन इनको पहुंचाया असलहे, बाद में किसने संरक्षण दिया, कहां कहां असलहे ले गए, कौन कौन से असलहे इनको उपलब्ध कराए गए थे, कैसे इन्होंने किया, ये पूरा डिटेल उसके बाद।